नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, खाना खाने के बाद में अगर एक पीस कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ ब्रेड की एक आसान सी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर के ही कुछ सामान से इसे बगैर गैस जलाए मिनटों में बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो आइए बगैर देर किए इस माउथ वाटरिंग ब्रेड की मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड की आसान सी टेस्टी मिठाई बनाने के लिए मैंने 6 पीस ब्रेड के लिए हैं। सिंपल वाली ब्रेड है, मीडियम साइज की है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी। थोड़े से मैंने काजू के आधे आधे वाले टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश और 4 बादाम हैं, उसे भी मैंने ऐसे किस के और उसकी फ्लेक्स बना के तैयार कर लिया है। और एक नटमेग है, तो नटमेग का हम बिल्कुल थोड़ा सा उसे क्रश करेंगे, उसमें पाउडर डालेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये चारों चीज़ें भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें, आपके पास घर में अवेलेबल हो तो आप इसे डालिए, नहीं तो बस थोड़ा सा इलायची पाउडर से भी इसका काम चल जाएगा। शक्कर पाउडर है, इसे मैंने मिक्सी में शक्कर को डालकर पीस के रखा है। थोड़ी सी मेरे पास केसर थी तो उसे भी मैंने दूध में डाल के रख दिया, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। कलर के लिए नहीं हम डाल रहे, हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए। और मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है, और ये दूध भी मैंने मलाई वाला ऊपर ऊपर का दूध ले लिया है, ताकि ये गाढ़ा भी है, इसलिए हमें इसमें मिल्क पाउडर डालने की भी जरूरत नहीं है गाढ़ापन लाने के लिए। बस सिर्फ ये मलाई वाला जो दूध है, इसी से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस ये छोटी सी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें से आपके पास जो हो वो डाल लीजिएगा, और जो ना हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को ट्रेंगल शेप में काट लेंगे, इस तरह से एक ब्रेड के दो दो पीस कर लेंगे। मैं सारी ब्रेड को काट के तैयार कर लेती हूँ। ब्रेड के सारे हमने पीसेस करके तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है, आप प्लेट ट्रे कोई भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको ये मिठाई बनाकर तैयार करनी है। बहुत आसान मिठाई है और बहुत बढ़िया लगती है। इस तरह से बीच में दो पीस ऐसे रख देंगे, ये अपनी पसंद से कैसे भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से और भी पीसेस मैं इसमें जमा के तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये ब्रेड के पीसेस पूरे अरेंज कर लिए। देखिए, सिर्फ प्लेन ही जमा के रखा हुआ है तो भी कितनी सुंदर दिख रही है। अब जो मलाई वाला दूध है, इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो ये जो शक्कर पाउडर है मेरे पास में, मैं ये 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर पाउडर डाल लेती हूँ। आप अगर अपने को थोड़ा सा कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच इसमें और मिक्स कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाउडर है तो बहुत ही जल्दी उसमें अच्छे से शक्कर घुल जाएगी। बस हो गई है मिक्स अच्छे से। अब मलाई वाला जो दूध है हम ब्रेड पर इस तरह से डाल देंगे। बहुत जल्दी ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाएगी, इसमें हमें गैस भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेस्टी मिठाई बनकर ये तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई रेसिपी बनाऊँ तो उसे आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। बहुत मेहनत से आपके लिए बहुत आसान आसान सी रेसिपी लेकर आती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारे ब्रेड्स पे मैं मलाई वाला दूध डाल देती हूँ। मलाई वाला दूध मैंने पूरा इस पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल मुंह में जाकर घुलने वाली। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो इस पे मैं बादाम की जो कतरन है उसे डाल देती हूँ, और किशमिश भी डाल देती हूँ। मैंने बादाम फ्लेक्स अच्छे से सारे डाल दिए, और हर पीस पर आधा काजू का टुकड़ा और 1 किशमिश, इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया। तो देखिए कितनी खूबसूरत हमारी मिठाई दिख रही है। अब जो जायफल है उसे हम इस पर थोड़ा सा इस तरह से ग्रेट करते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
कोई भी मिठाई अगर हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हम जायफल डाल देंगे नटमेग, तो उससे उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। और फ्रेंड्स मैंने जो शक्कर पाउडर डाला है उसी में इलायची भी मैंने पीस के रखी हुई है शक्कर में, तो साथ में उसका इलायची का भी टेस्ट आ गया। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा एक चुटकी के करीब मैंने इसमें ये नटमेग डाल दिया। आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है। अब लास्ट में जो हमारा केसर वाला दूध है जो हमने तैयार करके रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा हम सब पर डाल देंगे इस तरह से, सभी पर डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, मैंने केसर वाला दूध भी इस पर डाल दिया है और हमारी मिठाई कितनी डिलीशियस लग रही है देखिएगा। और इसे बनाने में हमें न तो गैस जलानी पड़ी न ही ज़्यादा मेहनत, बस घर के ही सामान से हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आप भी ऐसे ही जब भी आपके पास दो तीन पीस भी ब्रेड के घर में रखे हों तो नाश्ते के समय आप इस तरह से दो तीन ब्रेड से भी इस तरह की मिठाई बना सकते हैं। सिर्फ मलाई वाला दूध, शक्कर और इलायची पाउडर यही अगर रहेगा तो भी आपकी ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से एक बार ये मिठाई बनाइए, टेस्ट कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।